हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब ओके तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस का ठीक है साइंस जो कि आपका फ़िजिक्स का चैप्टर है फिजिक्स का चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्टीन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उस वाले वीडियो में मैं आपको फुल पी का लिंक दे दूंगा आपको नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है बस आप देखिए और समझने की कोशिश करिए ओके सो so, सबसे पहला है यहाँ पर पॉइंट है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें मैग्नेट क्या है मैग्नेट का मतलब क्या है मैग्नेट का डेफिनेशन क्या है एक्चुअली मैग्नेट होता क्या है हमने बचपन में या फिर अपने घरों में देखा होगा कि इस तरीका मैग्नेट होता है और ये मैग्नेट जब भी कोई क्या होता है मेटल के चीज़ से सॉरी आयरन के चीज़ से या फिर मेटल के चीज़ से जब भी आता है कॉन्टैक्ट में तो क्या हो जाता है चिपक जाता है ठीक है तो मेटल और आयरन के चीज़ जब भी आता है आयरन लाइक सब्सटेंसेस के संपर्क में कांटेक्ट में जब भी आता है तो चिपक जाता है या फिर तो उसको अपने और खींच लेता है अट्रैक्ट कर लेता है तो और जब भी ठीक है तो ये होता है और जब भी दो मेटल को पास में लाते हो तो यू भी क्या करते हैं अट्रैक्शन शो करते हैं तो ये होता है मैग्नेट वो हमने मैग्नेट नॉर्मली देखा है तो एक्चुअली में मैग्नेट होता क्या है तो मैगनेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है भैया जो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या तो आयरन हो गया या फिर आयरन की तरह ही जो सब्सटेंसेस होंगे उनको तो यानी कि लोहे की तरह जो सब्सटेंसेस होंगे उनको क्या करेंगे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका मैग्नेट ओके okay? ये भी है आपका मैग्नेट एक यू सेब्ड मैग्नेट है जब आप क्लास ट्वेल्थ में जाओगे तो एकदम डिस्कस मतलब एक कहते हो ना एक पूरे डिस्क्राइब या फिर डिटेल में पढ़ोगे मैग्नेट के ऊपर तो वो तो पढ़ोगे लेकिन अभी आपके कोर्स में जितना है मैं उतना ही कराने वाला हूँ तो अब मैग्नेट का क्या क्या यूजेज होता है तो मैग्नेट के बहुत सारे यूज होते हैं जैसे आपने आपके रेफ्रिजरेटर में मैग्नेट का यूज लगा हुआ है मैग्नेट का यूज़ होता है आपके रेडियो में आपके स्टीरो स्पीकर्स जो होते हैं ना आपके घर में वो जो आपके एक छोटे छोटे स्पीकर्स भी होते हैं उनमें भी और जो आपके स्पीकरस होते हैं जो आपने देखा होगा डीजे बजते हैं उसमें भी और ऑडियो ऑडियो जितने भी ऑडियो वाले चीज़ होते हैं उसमें भी, वीडियो कैसेट के प्लेयर्स में भी होते हैं चिल्ड्रन के बहुत सारे टॉयज़ में भी मैग्नेट का यूज़ होता है ठीक है सारे टॉयज़ में नहीं कुछ टॉयज़ में होता है ठीक है तो ये होता है अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है मैगनेट का आपने देखा होगा ये ऐस तरीके का मैगनेट आपने किसी किसी मैगनेट में देखा होगा एन लिखा रहता है कहीं पर सॉ एस लिखा होता है किसी किसी मैगनेट पर बस बट सारे में नहीं लिखा रहता क्योंकि क्या होता है मैगनेट का टुकड़ा भी होता है आपके घरों में या फिर आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है और आपके पास बार मैग्नेट जो होता है ना एक मैग्नेट का नाम है उसे हम कहते हैं बार मैग्नेट तो उसमें क्या होता है वो उसमें ये इस तरीके का एन और एस लिखा होता है ठीक है तो एन का मतलब क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ और यहाँ पे एस का यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका साउथ ठीक है नॉर्थ और साउथ यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहे हैं नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा एस मतलब दक्षिण दिशा इस तरीके से ठीक है तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है मैग्नेट का तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ जैसे मैंने बताया अभी लाइक पोल्स होंगे और रिपेल करेंगे ईच अदर जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पर देखो ये साउथ वाले पोजीशन का जैसे दो मैग्नेट को लाओगे जैसे दो मैग्नेट को पास में लाओगे दो बार मैग्नेट को और उसके जैसे एक जैसे पोल यानी साउथ पोल और साउथ पोल यदि पास में आ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को दूर दूर करेंगे ठीक है रिपेल करेंगे रिपेल और यदि उसके जो अपोजिट वाले जो यू you नो know, अपोजिट पोल्स जो आएंगे सामने इसको पोल्स कहते हैं ठीक है ये एक पोल हो गया ये दूसरा पोल हो गया साउथ और नॉर्थ नॉर्थ और साउथ यदि पास में आता है तो क्या करता है एट्रैक्शन शो करता है देखो यहाँ पे अट्रैक्शन शो करता है ठीक है इस तरीके से इसके ये प्रॉपर्टीज़ होता है आप देखो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप क्या करते हो एक फ्री करते हो एक भी सस्पें एक मैग्नेट को फ्रीली मतलब एक छोड़ते हो एक मैग्नेट को फ्रीली छोड़ते हो तो वो ऑलवेज आके किस डायरेक्शन में आता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रेस्ट पे होता है जैसे आप मान लो आप एक मैग्नेट लिए और उसको आपने ऐसे छोड़ा मतलब फ्री में एक यहाँ पे कुछ बांध दो और यहाँ पे इसको छोड़ दो तो ये क्या होगा एलाइन किस में होगा यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही एलाइन होगा ठीक है ईस्ट और वेस्ट में नहीं होगा तो ये कुछ है प्रॉपर्टीज है कभी कभी आपके पेपर में आता है कि राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट तो आपको यही चीजें लिखने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा आपको नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है अब यहां पे आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप इसको मार्क कर लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जैसे आपने एक मैग्नेट रखा है यहाँ पर मान लो एक मैग्नेट है यहाँ पे अब जो एरिया एक मैग्नेट के आसपास द एरिया मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पर आपने क्या रखा यहाँ पर आपने रखा मैग्नेट और इसके आसपास आयरन वाली चीज़ें रख दिया तो जित जिस जितने एरिया तक मान लो यहाँ तक यहाँ तक मान लो कि यहाँ पर तक आयरन को ये अट्रैक्ट कर पा रहा है ठीक है ये जो आ ये जो मतलब ये जो मैग्नेट है ये आयरन को अट्रैक्ट कर पा रहा है इसके बियॉन्ड यहाँ पर यदि आप यहाँ पर रखते हो आयरन तो यहाँ पर ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इस एरिया तक ठीक है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकले होते हैं भैया यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड आगे बताऊँगा किस तरीके से बनाते हैं अब आप देख नहीं सकते हो इमेजिनरी लाइन होता है इमेजिनरी लाइन मतलब वो अपने वो निकले होते हैं इस तरीके से बट वो क्या होता है वो आपको दिखेंगे नहीं ठीक है वो आपको दिखेंगे नहीं ठीक है वो इमेजिनरी होते हैं जो आपको दिखते नहीं है तो मान लो ये वाला ये जो आयरन का स्पीसी है वो आयरन का जो ऑब्जेक्ट है यहां तक है और ये मतलब आपको ये यह तक इसको अट्रैक्ट कर पा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है आप कह सकते हो इसका मैग्नेटिक फोर्स जो है इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स है यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है यहां तक है फिर यदि यहाँ पे रख दो यहाँ पे आयरन ऑब्जेक्ट को तो यहां पर कुछ नहीं हो रहा तो आप क्या कहोगे कि यहां तक इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है यहां तक है ठीक है इस तरीके से तो जहां तक मैग्नेट के जितने एरिया तक उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो यानी मतलब जैसे यहां तक है ठीक है तो उसे ही कहते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड तो इसका हम कह सकते हैं इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है कुछ इस तरीके से मान लो ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया है इस तरीके से अब मैं आगे बनाने बनाना बताऊंगा आपको किस तरीके से आप बनाते हैं कभी कभी पेपर में आ जाता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से ठीक है तो ये जो क्वांटिटी है इट इज ए क्वान्टिटी मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है जिसका दोनों होता है डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और जिसका सिर्फ और सिर्फ uh, मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड uh, होता है बट डायरेक्शन नहीं होता उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी आप लिख लो नोट करके जिसका सिर्फ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी और जिसका जिसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है समझ में आ रहा है जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है इसका यूनिट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कभी कभी आपके एम सी क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और कभी कभी आपके यू नो एम सी क्वेश्चन में आ सकते हैं और आपके यू you नो know, पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड राइट इट्स यूनिट दो नंबर में दे दिया क्वेश्चन इस तरीके से तो इसका यूनिट जो होता है तैस्ला क्या इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे तेस्ला इसको रिप्रेजेंट करोगे टी से किसी से रिप्रेजेंट करोगे टी से कैपिटल टी से स्मॉल टी से नहीं कैपिटल टी से अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास और हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास से ठीक है तो मैग्नेट आप किस तरीके से देखो यहाँ पे एक मैग्नेट ले लिया आप मैग्नेटिक कंपास ले लो मैग्नेटिक कंपास होता है अब वो उसको यहाँ पे पॉइंट करके देखो पॉइंट करके देखोगे तो जैसे जहाँ तक उसका मतलब एक्सपीरियंस वो दिखेगा उसमें तो वो वहाँ तक उसका मैग्नेटिक फील्ड बिखरा रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं मैग्नेटिक कंपास से भी ठीक है अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कुछ कैरेटेस्टिक uh, देखेंगे और किस तरीके से बनाते हैं ये भी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है तो ये इमेजिनरी लाइंस होता है जैसे मैंने बताया कि इमेजिनरी लाइन जो हमें दिखते नहीं है जो लाइंस हमें दिखते नहीं है इमेजिनरी लाइंस कह सकते हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट कह सकते हो कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ उसे हम कहते हैं फील्ड लाइन या फिर फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये चीज़ हम कहते हैं ओके okay. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है ये देखते हैं तो सबसे पहला देखो यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फील्ड लाइन्स होती है वो एराइज होती है नॉर्थ पोल से मीन्स नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ड्रॉ करने में ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा नहीं तो आपको रटना पड़ेगा कि ये लाइन ये हाथ जा रहा है ये लाइन ये हाँ जा रहा है ठीक है तो ये नॉर्थ पोल से निकलती है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और ये साउथ पोल तक जाती है समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से नोट करके लिख लो ठीक है अभी लिख लो कॉपी में क्योंकि आपको ये बनाऊंगा अभी बताऊंगा बनाना तो जिस जिस तरीके से मैं बनाऊंगा उस तरीके से आप कॉपी में बनाओगे ताकि तो आपको दिक्कत ना हो बाद में फील्ड फीलैंड आर क्लोज कप ये जो फील्ड फीलैंड होती है क्लोज कप बनेगा मैं दिखाऊंगा आपको फील्ड फीलैंड आर क्लोजर इन आ, इन अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अब फील्ड फीलैंड जहां पर बहुत ज्यादा होगा मतलब बहुत ज्यादा होगा वहाँ पर वो क्या होगा उसको हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रांग फील्ड है ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर ठीक है मैं बता दूंगा फिलैंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है देखो इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पॉइंट कि ये कभी कभी एक कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा ठीक है अपने पढ़ा हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट मैथ्स में तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट intersect नहीं करेगा देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट देयर मस्ट बी टू एट अ पॉइंट वेट इज विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल मतलब यहाँ पर जैसे ही देखो जैसे ही इंटरसेक्ट कर दिए तो इसका मतलब जैसे इंटरसेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर दो नौ, दो नॉर्थ डायरेक्शन बन रहा है और कभी आपने देखा है दो नॉर्थ डायरेक्शन नहीं देखा ना तो ये इम्पॉसिबल है ठीक है ये वाला कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन लूंगा एक जब मैं रिविजन कराऊंगा और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा डोंट वरी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इन साइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आप देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने ये मैग्नेटिक कोई बात नहीं, नहीं। मतलब ये नहीं पास पास में रहेगा लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होगा तो यह, इसका बाहर में तो नॉर्थ से साउथ था समझ रहे हो लेकिन अंदर में इसका साउथ से नॉर्थ रहेगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लेंस का ठीक है अब द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन यानी कि जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वहां पे हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉग मैग्नेटिक फील्ड है जहां पर कम होगा वहां पे हम बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है बहुत ही कमजोर है देखो नॉर्थ से निकला देखो यहां पर ये एक मैग्नेट है हमारे पास ये एक मैग्नेट है हमारे पास है ना अब ये एक मैग्नेट है और यहां से देखो नॉर्थ से निकला और साउथ की तरफ गया फिर नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया इस तरीके से और यहाँ पर आप देखोगे आप आप बोलोगे भैया ये तो मैं समझ गया कि ये नॉर्थ से निकला ये साउथ से गया है ये वाला पॉइंट भी दोनों दो, दो लाइन समझ गया बट ये क्या है तो मैं बताऊँ सारे फीललाइंस तो आप शो नहीं कर सकते ना सारे फीललाइंस तो आप शो नहीं कर सकते इसीलिए यहाँ पर कुछ फीललाइंस को नॉर्थ से निकाला ठीक है कुछ फील्ड लाइन्स को नॉर्थ से निकाला यहाँ पे आप ज़्यादा ज़्यादा कम भी कर सकते हो यहाँ पे ये यह नहीं है कि आप कुछ बच्चे तो रट लेते हैं कुछ बच्चे रट लेते हैं कि यहाँ पर पाँच है यहाँ पर पाँच है तो हम पाँच ही बनाएंगे यहाँ पर पाँच है हम पाँच ही बनाएंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर चार है हम चार ही बनाएंगे आप सात आठ भी बना दो कोई टेंशन नहीं है ठीक है तो यहाँ पर ये यह निकलेगा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर डायरेक्शन देखो ये ये डायरेक्शन बता रहा है ये डायरेक्शन है ठीक है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रहा है तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे इसीलिए ये डायरेक्शन दिख रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर ये गलत है ये गलत है हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ गलत है यहाँ पे आप ठीक कर लेना ये इस तरीके से जाएगा और इसका डायरेक्शन इस तरीके से बनेगा यहाँ पर एक चीज़ गलत है भैया ये पिक्चर में एक चीज़ गलत है कि यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से अंदर की तरफ डायरेक्शन डायरेक्शन बस गलत है और कुछ नहीं गलत है ये डायरेक्शन को इस तरीके से कर लेना ठीक है मैं कर दूंगा तब दूंगा आपको पे ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ आपको देखो यहाँ पर आपने लिया ये मान लो ये इसका नॉर्थ है ये इसका साउथ है ठीक है अब आपने ये बनाया यहां तक कभी कभी पेपर में आता है भैया तो भैया बना लेना और सीख जाओ बनाना ठीक ये नॉर्थ से निकलेगा तो यानी ये इस तरीके से डायरेक्शन भी होगा ये साउथ साउथ की तरफ जा रहा है समझ रहे हो ये नॉर्थ की तरफ नॉर्थ से निकल रहा है ना इस तरीके से आप यहां पर ये नॉर्थ से निकलेगा ये नॉर्थ से निकलेगा और ये साउथ की तरफ जाएगा इस तरीके से ठीक है किसी को भी एक दूसरे से सटाना नहीं है बिल्कुल अलग अलग करके बनाना तो ये आपका बन गया क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड बन गया आपका पूरा एक मैग्नेट के चारों तरफ ठीक है समझ में आ रहा है ना आपको ये जो ये जो वाला जो है ना ये वाला ये मैं करके दूंगा आपको इस स्लाइड्स को क्या हो जा रहा है एक मिनट ये जो है ये वाला ये मैं करके दूंगा या फिर ऐसे करके दे दूंगा कोई टेंशन की बात नहीं है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो मैं हूँ ना आपके साथ ओके सो so, यहाँ पर है कि जब भी आप आयरन फीलिंग्स को आर अलाउड टू सटल डाउन अराउंड बार मैग्नेट दे गेट अरेंज इन अ पैटर्न विच मिमिक्स द मैग्नेटिक फील लाइन्स फील मै ऑफ अ मैग्नेट कैन आल्सो बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास आप फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप कंपास से भी यूज डिटेक्ट कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटी जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वेक्टर क्वांटिटी अब यहां पर देखो आप एक मैग्नेट के चारों तरफ आयरन की फिलींग्स आयरन फीलिंग जानते हो यानी छोटे 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 आयरन का टुकड़ा टुकड़ा मतलब या फिर आप कह सकते हो छोटे छोटे फीलिंग्स यानी कि एक तरीके का आप कह सकते हो छोटा छोटा बिल्कुल लोहे खाऊ ठीक है तो उसको आप क्या करो एक मैग्नेट के चारों तरफ डाल दो तो एक इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि मतलब वो लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड बन गया हो ठीक है वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ ही बन जाते हैं बार मैग्नेट के बार मैग्नेट होना चाहिए लेकिन वो किसी भी मैग्नेट पर नहीं हो जाएगा बार मैग्नेट पर देखो जैसे यहाँ पे देखो ये सब क्या आयरन फीलिंग्स है ठीक है ये आयरन फीलिंग्स के चारों तरफ क्या हुआ इस तरीके से ये बन बन गया है जैसे लग रहा है कि ये

कि वॉज द फर्स्ट पर्सन ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को जिन्होंने स्टेट किया कि हम इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जो आपने चैप्टर पिछला वाला पढ़ा नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक देख लेना जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है ये किन्ने ये पेपर में डायरेक्ट वन मार्क का क्वेश्चन में आता है वन मार्कर में कितने बार आ चुका है कि कौन ऐसा पर्सन था स्टेट uh, किया या फिर डिस्क्राइब uh, किया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है तो आप लिखोगे सर एच सी स्टेटेड ओके इस तरीके से लिखोगे ठीक तो है तो मैं आगे बताऊंगा कोई टेंशन की बात नहीं अभी तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है राइट हैंड थम रूल तो राइट हैंड रूल को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ ठीक है आप देखो यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर में इज हेल्ड बाय राइट हैंड मान लो एक आपने वायर ले लिया एक वायर ले लिया जिसमें से करंट जा रहा है और उसको अपने हाथ में हेल्ड किया उसको आपको इस तरीके से हेल्ड करना है या फिर रखना है जिसमें जो थंब होगा वो स्ट्रेट मतलब जो थंब होगा थका अंगूठा जो होगा इस तरीके से राइट हैंड जो थंब होगा ये इसी बात पे ये जो नाम दिया गया राइट हैंड थंब रूल थंब रूल थंब पे ही ठीक है जो आपके राइट हैंड का जो थंब होगा वो स्ट्रेट होना चाहिए एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द डायरेक्शन ऑफ थंब यदि ये, ये डायरेक्शन जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट का थंब में है यानी कि इस तरीके से है स्ट्रेट जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो देन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ द फिंगर जो रैपिंग होता जो ये मुड़ा हुआ फिंगर्स है ना इसका जो डायरेक्शन ये शो करेगा ये कौन किस चीज़ का डायरेक्शन शो करेगा ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आ, जो है राइट हैंड थंब रूल है और ये ठीक है और ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक ठीक है तो आपको किस तरीके से करना है आपको ये याद करना है आपको ये रटना नहीं है आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को या फिर आप कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को एक अपने हाथ में इस तरीके से हेल्ड करना है करके मत देखना करके मत देखना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये जस्ट फॉर स्टडी है आपको एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है तो आपको इस तरीके से ये रखना है कि आपको आपका जो थम होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आपका थम जो होगा वो स्ट्रेट होगा वो, वो आपका शो करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो शो करेगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और जो आपका रैप्ड फिंगर होंगे जो मुड़ा हुआ फिंगर्स होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा यही है राइट हैंड थम रूल आपको क्या करना right है राइट हैंड में पकड़ना है लेफ्ट हैंड से मत पकड़ना इसका यही इंपॉर्टेंट है यही पॉइंट है कि आपको लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ना है आपको राइट right हैंड से कर, क्या कैरेंट कैरेंट कंडक्टर कर, कर, करन, पकड़ना है और ये आपको डिस्क्राइब करना है यदि पेपर में आता है कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल या फिर डिस्क्राइब अबाउट राइट हैंड थंब रूल तो या पे ये बना दे ये लिख देना यदि टाइम हो तो ये पिक्चर भी बना देना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कोई भी रोक नहीं सकता नाइन्टी फाइव तो गारंटेड आ जाएंगे यदि आप मेरे वीडियो से पढ़ोगे तो ओके बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ओके तो चलिए ये ये टॉपिक में अगले वीडियो में करेंगे और यहीं तक आज, आज का वीडियो है और प्लीज़ आप ये ये पूरे आप टेंशन मत लो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो और नेक्स्ट वीडियो के बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं उस चैप्टर के यू नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसमें से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना फुल पीडीएफ मिल जाएगा आपको रिविजन नोट्स एक तरीके कह सकते हो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको बस पढ़ना है मेहनत करना है बाकी जो नोट्स होगा वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है आपको थैंक ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट ओके सो थैंक यू सो मच